देखिए रसमलाई की रबड़ी के लिए मैं कोई गैस नहीं ऑन करने वाली हूँ। देखिए मैंने इसमें मलाई ली है, मलाई ये मैंने घर पे निकाली है। ये देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस हम लोग 2 टेबल स्पून मलाई ले लेंगे। ये रिच क्रीम आप कह सकते हैं, अमूल क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं एकदम से यूज़ नहीं करने वाली हूँ गैस को, तो बस मैं वैसे बना रही हूँ। आप बस देखते जाइए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बस गरम दूध दे देंगे, बस थोड़ा सा, जितनी आपको चाहिए रस मलाई की रबड़ी आप उतनी ही यूज़ कीजिए। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल मलाई को एकदम गलाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए रबड़ी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो उसकी जो मलाई होती है वो मेन होती है। तो बस इस तरीके से हम लोग इसको इसको हम लोग इसी तरीके से रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग गलने नहीं देंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी इलायची पिसी हुई डाल देंगे, और इधर मैंने बनाया हुआ है केसर का दूध, थोड़ा सा वो डाल देंगे। अब हम लोग इसमें एक बर्फी डाल देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो रिच हो जाए। एक बड़ी बर्फी मैंने 2 हाफ कर लिए थे। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं दी है, तो आपकी बर्फी में जो तो चीनी है उससे ये एकदम रिच हो जाएगी। हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए गाइस, रस मलाई की रबड़ी एकदम रेडी है। ये देखिए एकदम लच्छेदार जो बोलते हैं ना, एकदम वैसी ये एकदम रेडी हो गई है। इंस्टेंट है, मैंने गैस नहीं ऑन की, मैंने आपको बताया। और ये देखिए उसको खुरचन वाली भी रबड़ी बोलते हैं। इस तरीके से ये मैंने रेडी करती हूँ। अब हम लोग फटाफट से रसमलाई की जो हम लोग को बनानी है ब्रेड से, वो मैं हम लोग रेडी कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने गोल गोल ब्रेड्स को ले काट लिया है। अब हम लोग पैन गैस ऑन कर लेंगे, और बिना घी के बस हम लोग इसको हल्का कुरकुरा होने के लिए पैन पे रख देंगे, ताकि थोड़ी सी क्रंची हो जाए। इस तरीके से हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। देखिए गाइस, ये क्रंची हो गई है, मैंने इसको निकाल दिया है। अब हम लोग इसमें जो हमारी रस मलाई की हमने रबड़ी बनाई थी, इसमें हम लोग डिप करते हुए इसको 10 मिनट के लिए, या 5 मिनट भी चलेगा, आप इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से ये बस तुरंत बनने वाली मिठाई है, ये आप कभी भी बना सकते हैं, आपको जब भी मन करे, कोई झंझट नहीं है। बहुत लोगों को, मुझे भी एक्चुअली झंझट लगता है कि अरे यार रसमलाई रसमलाई में तो बड़ा झंझट होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा दूध को उसको बॉयल करते रहो तब जाके वो बनता है। ये देखिए भाई, एकदम से रेडी हो गई है। बस हमने इसमें थोड़ा सा जो हमारा केसर वाला दूध है वो थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे, और आपका जो मैंने बादाम था उससे हम लोग इसको। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।